दोस्तों, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए ब्रांड से मेरा कोई संबंध नहीं है और जो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सब कुछ अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर्स जो कि स्टार्ट होते हैं अंडर ₹1500। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप हमेशा याद रखें कोई भी मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से पहले, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन। पहले उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक छोटी सी बात और, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 99% लोग वीडियो देख लेते हैं पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं कोई भी मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से पहले। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो होता है पावर का। दोस्तों, पावर मिक्सर ग्राइंडर की स्टार्ट हो जाती है 400 वाट से और आती है 1200-1300 वाट तक। इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो 500 वाट के आसपास से स्टार्ट होकर 750 वाट तक आने वाले हैं। दोस्तों, अंडर 750 वाट के जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं वो सॉफ्ट चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए ठीक रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चटनी वगैरह, सूप वगैरह और स्मूदी मिक्सर बनाने के लिए 750 का अंडर जो मिक्सर ग्राइंडर आता है वो सही रहते हैं। और अगर आपको कुछ हार्ड चीज़ें इसके अंदर ग्राइंड करनी है, जैसे मसाले, सूखे मसाले, खड़े मसाले, जिंजर, कोकोनट या हल्दी को आपको इसके अंदर पीसना है, तो दोस्तों आपको 750 वाट से ऊपर का ही मिक्सर ग्राइंडर लेना होगा। क्योंकि अगर आप उससे कम लेंगे तो वो अंडर पावर पड़ जाएगा और उसको और अच्छे से ग्राइंड नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है RPM, जिसका मतलब होता है रोटेशंस पर मिनट। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का RPM होगा उतना ही अच्छा वो आपका ग्राइंडर ग्राइंड करेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों जार। ध्यान रखें दोस्तों, जो भी मिक्सर ग्राइंडर आपको जार की क्वांटिटी ज़्यादा दे और अच्छी क्वालिटी दे, अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब है स्टेनलेस स्टील के जार हों, अगर स्टेनलेस स्टील ना हो तो वो प्लास्टिक के हों तो वो फूड ग्रेड प्लास्टिक के ही आप प्रेफर करें। और दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ आती है बर्निंग स्मेल। कभी भी आप नया मिक्सर ग्राइंडर दोस्तों खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको शुरू शुरू में जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बर्निंग स्मेल आएगी। वो इसलिए आती है क्योंकि दोस्तों जो मिक्सर ग्राइंडर की मोटर होती है उसके ऊपर एक वार्निश लगी होती है, जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे वो बर्न होती है वार्निश, तो वो स्मेल क्रिएट करती है। जितना जो दोस्तों आप उसको आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे वो धीरे धीरे बर्न होकर इवेपोरेट हो जाएगी और बाद में आपको उसमें से बर्निंग स्मेल नहीं आएगी। ये दोस्तों नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, अब देखते हैं 5 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर कौन से जो कि स्टार्ट होते हैं अंडर ₹1500। दोस्तों, 5th नंबर पे है लाइफ लॉन्ग ब्रांड की तरफ से आने वाला पावर प्रो मिक्सर ग्राइंडर। इसके अंदर दोस्तों आपको जो मोटर की पावर मिलती है वो मिलती है 500 वाट और जो इस मिक्सर ग्राइंडर की RPM है वो है 18000। इसके अंदर आपको 3 स्टेनलेस स्टील के जार मिलते हैं जिसके अंदर आपको एंटी स्पिल प्लास्टिक लिड्स मिलते हैं जो कि आती है रबर रिंग के साथ। और दोस्तों, इन जार्स की जो क्वांटिटी है वो है 1.25 लीटर 800 ml और 500 ml। इसके अंदर दोस्तों आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है जो कि इस मिक्सर ग्राइंडर की मोटर को ओवरलोड पड़ने से, ख़राब होने से बचाता है। इसके अंदर दोस्तों आपको एंटी स्किड फीट मिलते हैं जो कि इसको सरफेस के ऊपर स्टेबल बनाए रखता है। ये जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये अननेसेसरीली हिलेगा डुलेगा नहीं और वहीं पे स्टेबल बना रहेगा। और ये जो मिक्सर ग्राइंडर का दोस्तों वेट है वो है अप्रॉक्स 3 kg और दोस्तों लाइफ लॉन्ग इसके ऊपर आपको 1 साल की वारंटी देती है। और दोस्तों, ये मिक्सर ग्राइंडर आपको पड़ेगा अराउंड 1300 रुपये के आसपास। इसके लिंक्स दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है तो मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक आपको दे दूंगा, आप दोनों पे चेक कर लेना, जहाँ पे आपको सस्ता पड़े आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, 4th नंबर पे है महाराजा व्हाइट लाइन की तरफ से आने वाला नियो मिक्सर ग्राइंडर। इसके अंदर आपको जो मोटर की पावर मिलती है वो मिलती है 500 वाट और जो दोस्तों इसकी RPM है वो है 20000। इसके अंदर दोस्तों आपको 3 स्टेनलेस स्टील के जार मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी है 1.5 लीटर, 700 ml और 400 ml। इसके अंदर दोस्तों आपको एयर वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है जिससे कि मिक्सर ग्राइंडर की मोटर है उसको एयर मिलती रहती है और ये ठंडी रहती है जिससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इसके अंदर दोस्तों आपको फूड ग्रेड प्लास्टिक मिलती है जो कि काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको 30 मिनट्स की कंटिन्यूस ग्राइंडिंग मिलती है जिससे कि आप 30 मिनट तक इसको लगातार यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मिक्सर ग्राइंडर का जो वेट है वो है अप्रॉक्स 4 kg। इसके ऊपर आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और दोस्तों मोटर के ऊपर 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 2300 रुपए के आसपास। लिंक्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 3rd पे है बजाज की तरफ से आने वाला GX1 मिक्सर ग्राइंडर। इसके अंदर आपको जो मोटर की पावर मिलती है वो मिलती है 500 वाट, इसके RPM है 20000।
इसके अंदर आपको तीन स्टेनलेस स्टील के जार मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी है 1.25 लीटर 800 ml और 300 ml। इसके अंदर दोस्तों आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है जिससे कि आपका जो मिक्सर ग्राइंडर पर अगर ओवरलोड पड़ता है तो ये उसको कट ऑफ कर देता है जिससे कि आपकी जो मोटर है वो खराब होने से बच जाती है, जो काफी अच्छी चीज है। इसके अंदर दोस्तों आपको ABS प्लास्टिक बॉडी मिलती है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छी क्वालिटी की मिलने वाली है आपको। इसका जो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर का वेट है वो है अप्रोक्स 3 kg। इसके ऊपर दोस्तों आपको वारंटी मिलेगी 1 साल की और 2 साल की इसकी मोटर के ऊपर। इसका जो दोस्तों प्राइस है वो आपको पड़ेगा अप्रोक्स 2000 रुपए के आसपास, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों नंबर 2 पे है बटरफ्लाई ब्रांड के तरफ से आने वाला स्मार्ट मिक्सर ग्राइंडर। इसके अंदर दोस्तों आपको मोटर की जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 750 वॉट। इसका RPM है 18,500 और दोस्तों इसके अंदर आपको 4 स्टेनलेस स्टील के जार मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी है 1.5 लीटर और 750 ml और 400 ml। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसके अंदर 2 1.5 लीटर के जार हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो आपको एक जार मिलेगा वो सिंपल जार नहीं होगा, वो आपको जूसर मिलेगा जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर दोस्तों आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी जो बॉडी है दोस्तों वो ABS प्लास्टिक से बनी हुई है। इसके अंदर आपको नॉन स्लिप फीट मिलते हैं जो कि इसको सरफेस के ऊपर स्टेबल बनाए रखेगा, उस जगह पे फिक्स रखेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं दोस्तों यूज करते समय। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपको एक जूसर वाला ऑप्शन भी मिलता है जो कि काफी अच्छी चीज मुझे लगी। इसका दोस्तों जो वेट है वो है 4.6 kg। इसके अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और एक्स्ट्रा 2 साल की वारंटी इसके मोटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो एक चीज मुझे इसके अंदर काफी अच्छी लगी, उसकी जो डिजाइन है दोस्तों मेरे को काफी इसकी डिजाइन अच्छी लगी और काफी देखने में प्रीमियम दोस्तों लगता है। जैसे कि आप दोस्तों इसकी डिजाइन देख सकते हैं, ये काफी अलग ही डिजाइन बटरफ्लाई ने इसको दी है। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी अप्रोक्स 2900 रुपए के आसपास। दोस्तों फाइनली आ गया है नंबर 1, और नंबर 1 पे है प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला आयरिस प्लस मिक्सर ग्राइंडर। इसके अंदर जो आपको दोस्तों मोटर की पावर देखने को मिलती है वो है 750 वॉट, RPM है 20,000। इसके अंदर आपको दोस्तों 3 स्टेनलेस स्टील के जार मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी है 1.5 लीटर, 1 लीटर एंड 300 ml। एक आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जूसर जार मिलता है जो कि काफी अच्छी चीज दोस्तों इसके अंदर है। इसके अंदर दोस्तों आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है, ABS प्लास्टिक की बॉडी मिलती है जो कि काफी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। नॉन स्लिप दोस्तों आपको इसके अंदर फीट मिलते हैं जो कि इसको स्टेबल बनाए रखेंगे, और जब आप इसको यूज करेंगे तो जहाँ पे जिस सरफेस के ऊपर आप इसको यूज करने वाले हैं उसके ऊपर ये स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वहां से ये हिलेगा डुलेगा नहीं, जिससे आपको जो आप कुछ भी इसके अंदर ग्राइंड करेंगे उसको गिरने का खतरा जो है वो ना के बराबर रहता है। इसका दोस्तों जो वेट है ओवरऑल अप्रोक्स 5.5 kg के आसपास पड़ता है। जो दोस्तों इसके ऊपर आपको वारंटी मिलने वाली है वो 2 साल की आपको फुल प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी से वारंटी मिलने वाली है, और 5 साल की इसकी मोटर के ऊपर मिलने वाली है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी चीज है। अभी तक सबसे ज्यादा वारंटी प्रेस्टीज ही दे रहा है दोस्तों मोटर के ऊपर जो कि 5 साल। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आपको प्राइस पड़ने वाली है अप्रोक्स 3500 रुपए के आसपास, जिसके दोस्तों आपको लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि 99% से भी ज्यादा दोस्तों लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज ये करके आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।